subscribe and press the bell icon for latest update. उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद का रामपुर कारखाना थाने में ही बीते दीपावली में जहां अवैध पटाखा रखा गया था, जो कि थाने परिसर में ही अभी तक रखा हुआ था। इस समय कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, जिसके चलते थाने में अलाव जलाया जा रहा था। अलाव में वहां पर रखे पटाखे में कागज निकालकर जलाया जा रहा था, तभी सिपाही अजीत सिंह ने आग में पटाखा वाला कागज डाला कि वहां पर विस्फोट हो गया, जिससे सिपाही गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस घटना में सिपाही के दोनों हाथों के पंजा उड़ गया। उसकी गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टर ने गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है। वहीं जिला अस्पताल के डॉक्टर का कहना है कि कोई विस्फोट से यह घटना हुई है, सिपाही की हालत गंभीर है और तुरंत ऑपरेशन की जरूरत है। सुनिए क्या कहना है डॉक्टर रोहित सिंह का। स्थिति तो ठीक है, बस ये है कि ये तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा, इसलिए उनको मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया गया। जो इंजरी हुई है क्या वो पटाखा का है या नहीं? सब कोई ब्लास्ट है, मतलब कोई बम ब्लास्ट टाइप का, पटाखा से भी हो सकता है, कोई ब्लास्ट है, बारूद का है। SPN 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।